नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का वापस, जो सीरीज हमने चल रही थी उसके एक दो लेक्चर बाकी थे, तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन। 12th RBSC केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाशिक समावयवता। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रकाशिक समावयवता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो देखिए, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है कि जो यौगिक होते हैं वो आपस में दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, एक दूसरे को क्लोज या ढक नहीं पाएंगे। और अगर वो समतल ध्रुवित प्रकाश जो है PPL प्लेन पोलर लाइट, उसको उसके तल में उसको एक निश्चित कोण पर घुमा देते हैं, तो ये जो गुण होता है वो समावयवता कहलाता है, प्रकाशिक समावयवता। तो इस प्रकार से जो यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं वो प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। तो प्रकाशिक समावयवता में अब हमें बात आई बीच में समतल, तो अब हम शुरू करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। देखो, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि शुरुआत में एक प्रकाश यानी कि एक लाइट होगी, तो उस जो लाइट जो है उसका जो चुंबकीय तरंगे है वो सभी दिशा में सभी तल में गति करती रहती है। ठीक है, सभी दिशाओं में गति करती है, यानी कि बात करें तो हम जैसे कि इस दिशा में, इसमें और इसमें, जैसे कि आपको फोटो में नजर आ रहा होगा, तो वो सभी दिशाओं में उसके जो तल की जो गति है चुंबकीय तरंगों की वो सभी दिशाओं में होती है। ठीक है, तो अब समतल ध्रुवित प्रकाश हमको प्राप्त कैसे करना है, यानी कि समतल ध्रुवित यानी कि जो उसकी गति सभी दिशाओं में हो रही है वो हमें एक दिशा में लानी है, एक तल में लानी है। जो पहले सभी तलों में गति हो रही थी वो हमको क्या करना है, एक तल में लानी है, जो चुंबकीय तरंगें थी उसकी गति। ठीक है, तो एक तल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उस समतल यानी जो वो प्रकाश हमने लिया है एक वर्णीय प्रकाश, तो उसको हम निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे। निकोल प्रिज्म का फोटो भी आपको नजर आ रहा होगा। निकोल प्रिज्म से गुजारने पर जो हमारा लाइट था, एक वर्णीय प्रकाश था जिसके अंदर हमें एक कलर का प्रकाश लिया था, वो जब निकोल प्रिज्म से गुजरेगा तो हमें क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा। यानी कि जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य विभिन्न तरंग दैर्ध्य में गति हो रही थी सभी तलों में, वो अब क्या होगी, एक तल के अंदर गति रह जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब जो हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश आया है उसको हम क्या करेंगे, एक प्रकाशिक सक्रिय एक सॉल्यूशन होगा अपने पास एक बीकर में, उसमें से हम उसको गुजारेंगे। किसको? समतल ध्रुवित प्रकाश को उस बीकर में से गुजारेंगे। तब क्या होगा, जो बीकर होगा वो क्या होगा, प्रकाशिक एक्टिव होगा, लाइट मतलब जो प्रकाशिक समावयवता है उसके लिए एक्टिव होगा। तो जब उसमें से हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश को जो अपना सॉल्यूशन है वो एक निश्चित कोण पर घुमा देगा, यानी कि वो ध्रुवण घूर्णक यानी कि उसको घुमा देगा। जैसे कि अपना समतल ध्रुवित प्रकाश सीधा था, जैसे ही हमने उसको सॉल्यूशन से निकाला तो या तो वो उस समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाएगा या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा। जब अपना जो सॉल्यूशन है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है तो हमारा वो क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। जो प्रकाशिक यौगिक, जो भी यौगिक है वो क्या होगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता है। जब PPL यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को जो यौगिक जो विलयन है वो अगर बाईं ओर घुमा देता है तो हमारा वो वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक दाईं ओर घुमाता है प्रकाश को, वाम ध्रुवण घूर्णक बाईं ओर घुमाता है किसको, प्रकाश को। अब वो जो सॉल्यूशन था उसने घुमाया एक बार दाईं ओर एक बाईं ओर, तो अब वो जो हमारा यौगिक है वो क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है। क्या है? प्रकाशिक सक्रिय है। तो अब जो बाईं ओर और दाईं ओर घुमाया है प्रकाश को, तो अगर जिस कोण पे जो समतल ध्रुवित प्रकाश था उसको जिस कोण पर घुमाया गया है वो जो कोण होगा वो क्या होगा, अपना ध्रुवण घूर्णक कोण होगा। क्या होगा? ध्रुवण घूर्णक कौन होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ऐसा करता हूँ आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्रुवण घूर्णक जो है वो किन किन स्थितियों पर निर्भर करता है वो भी आप देख सकते हो साइड में, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो विलयन है अपना, जो प्रकाशिक एक्टिव विलयन है उसके
सांद्रता, सबसे पहले उसकी सांद्रता पे डिपेंड करेगा। फिर जो प्रेक्षण नली है जिसमें से प्रकाश को हमने गुजारा है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को गुजारा है, उसकी जो प्रेक्षण नली है उसकी लंबाई कितनी है इस पे डिपेंड करेगा। जो ध्रुवण कोण है उसकी निर्भरता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विलयन की सांद्रता क्या है उस पे, प्रेक्षण नली की लंबाई कितनी है, विलयन की प्रकृति कैसी है और प्रकाश जो विलयन और विलायक जो भी है वो उसकी प्रकृति कैसी है उस पे भी डिपेंड करेगा। और जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है उस पे भी डिपेंड करेगा। और जो दूरी तय करेंगे प्रेक्षण नली के अंदर जो प्रकाश है अपना जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी पर भी एक निर्भरता और है, वो क्या होगी कि उसका ताप कितना है। जो हमने लिया है विलायक उसका ताप कितना है, विलयन जो है उसका ताप कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ध्रुवण जो सॉरी घूर्णन कोण है वो उसकी निर्भरता आपको मैंने बता दी और साइड में स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो इसकी जो लिखी हुई आ रही है सारी, ठीक है। तो ये इसकी निर्भरता है। अब बात आती है विशिष्ट ध्रुवण कोण, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण जो है वो क्या होता है। तो देखो जब इन सभी ध्रुवण कोण जो अपना है उसको एक विशिष्ट परिस्थितियों में मापे, एक निश्चित मानक मापन पर अगर उसका हम मापन करें तो वो अपना विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक कोण कहलाता है। यानी कि अगर हम 1 सेंटीग्रेड ताप लें और 1 डेसीमीटर लंबाई की प्रेक्षण नलिका लें और उसके अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता हम 1 ग्राम प्रति ml अगर लें और उसमें से हम लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गुजारेंगे तो जो हमें कोण मिलेगा वो अपना विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक कोण होगा। क्या होगा? विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक कोण होगा। तो अल्फा जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं तो अल्फा लैम्ब्डा टू टी, ठीक है ना। अल्फा लैम्ब्डा टू टी क्या हो जाएगा, अल्फा प्रेक्षित ध्रुवण घूर्णक कोण बटा एल इंटू सी, ठीक है। एल यहाँ पर, सी यहाँ पर कंसेंट्रेशन, एल यहाँ पर लंबाई है, ठीक है। अगर हम विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक कोण को उसके मॉलिक्यूल्स के अगर अणुभार से गुणा कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आणविक घूर्णक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो सममिति तत्व होते हैं 3 प्रकार के उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।